गुड न्यूज, गुड न्यूज, एक ऐसी गुड न्यूज जिसे सुनकर आप लोग भी खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब लाल सिंह चड्ढा जो कि आमिर साहब की मच एंटीसिपेटेड फिल्म है, उस फिल्म के अंदर आ गए एक दूसरे खान, बोले तो SRK किंग ऑफ रोमांस शाहरुख साहब। क्या है माजा, किसने कंफर्म किया है, इस वीडियो में बताता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो कि बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। करीना कपूर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़ी बात का खुलासा कर दिया है कि सलमान नहीं बल्कि आमिर खान की इस फिल्म में होंगे शाहरुख खान। दोस्तों आपको बता दूं तो इस इंटरव्यू के दौरान मैंने आपको इंटरव्यू से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई हैं, जहाँ पे करीना कपूर जी ने बहुत सी बातें कही हैं, 1, 2, 3, 4 ये है वो है ऐसा है वैसा है, उनके किरदार के बारे में, 3 इडियट्स, तलाश, और अब यहाँ पे जाके इस फिल्म में कैसा काम रहा आमिर खान साहब के साथ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो ऐसे में दोस्तों करीना कपूर कहती हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर कहती हैं कि बहुत सी बातें आ रही हैं कि इस फिल्म के अंदर यानी कि लाल सिंह चड्ढा के अंदर जो है शाहरुख खान और सलमान खान भी होंगे, जिस पे करीना कपूर कहती है कि सलमान खान का तो नहीं लेकिन हाँ शाहरुख खान है। जी हाँ दोस्तों, करीना कपूर ये साफ बोलती हैं। अब देखते हैं कि शाहरुख साहब को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि किस तरीके से उनको कोई किरदार दिया गया है या फिर उनको कुछ पर्टिकुलरली ऐसा कुछ दिखाया जाएगा कि लाल जो है वो शाहरुख साहब का दीवाना है, क्योंकि जिस दौरान की ये स्टोरी है उस दौरान जो है ये कैरेक्टर भी है मौजूद यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा और वो ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है कि शाहरुख खान मतलब 90s और 2000 अर्ली 2000 में बहुत बहुत ज़्यादा एक अलग एक चांद था उनका देशवासियों के प्रति, तो देशवासी मतलब अपने जहन में उनको रखते थे, वैसी हेयर स्टाइल ये वो गाने गाते थे, तो हो सकता है कि वैसा हो। अब पता नहीं, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है, लेकिन आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। जैसे मुझे पता चली बात मैंने आपको तुरंत बताया। अब आपको क्या है कहना कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।